आपका जनसत्ता में मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूँ आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए एक बार फिर राहुल गांधी के नाम की चर्चा जोर पकड़ने लगी है, लेकिन राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष के तौर पर अपने नाम की सहमति अभी तक जाहिर नहीं की है, जिसके चलते कांग्रेस के लिए एक नया अध्यक्ष का चुनाव चुनौती बन चुका है। कांग्रेस पार्टी ने 20 अगस्त तक आंतरिक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली है। पार्टी ने घोषणा की थी कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होगा, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद राहुल ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने पूरी तैयारी कर ली है। प्राधिकरण का अध्यक्ष कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की प्रतीक्षा कर रहा है, जिसके बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रक्रिया अटकी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी अब तक कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, हालांकि उन्हें मनाने के सभी प्रयास अभी भी जारी हैं। दिल्ली सरकार की शराब नीति मामले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले में सीबीआई डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी कर चुकी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार नई मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। सीबीआई ने लो फ्लोर बस की खरीद और रखरखाव में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रारंभिक जांच दर्ज करने की जानकारी अधिकारियों ने रविवार को दी। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय के संदर्भ में जांच दर्ज की गई है। इसके पहले दिल्ली सरकार ने बस खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया था और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सीबीआई का इस्तेमाल कर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था। एमएसपी की मांग को लेकर आज जंतर मंतर पर आज किसान महापंचायत होने वाली है, जिसे लेकर राजधानी में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस की अनुमति नहीं होने के बावजूद किसान संगठन इसे आयोजित करने पर अड़े हुए हैं। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने भी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तक कर दी है। शनिवार रात और रविवार दिन में किसानों के कुछ समूहों ने बॉर्डर पार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जंतर मंतर पर जा रहे भाकियु नेता राकेश टिकैत और उनके समर्थकों को भी गाजीपुर बॉर्डर पार करते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। करीब 2 घंटे हिरासत में रखने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश की सीमा में उन्हें छोड़ दिया गया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार कुछ किसान और किसान नेता पहले ही दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं। कई किसान गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों पर ठहरे हुए हैं, हालांकि इन किसानों को जंतर मंतर जाने की अनुमति दी। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।